अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मीट एंड ईट विद एन अदर रेसिपी। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे। वेल, मुझे कुछ मैसेजेस रिसीव हुए हैं रिगार्डिंग रमज़ान की रेसिपीज़ के, एंड देर शुड नॉट बी ऑयली, क्योंकि हर कोई डीप फ्राई स्टफ़ प्रेफर नहीं करता। तो मेरे पास एक सिंपल और क्विक रेसिपी थी, मैंने कहा आप लोग से शेयर करती हूँ। सो लेट्स जस्ट हैव अ लुक इन टुडेज़ रेसिपी। तो आज मैं बना रही हूँ ग्रिल्ड क्लब सैंडविचेस। यूजली क्लब सैंडविचेस ग्रिल नहीं होते, लेकिन मैं हमेशा ग्रिल करती हूँ जस्ट टू गिव देम अ गुड लुक एंड अ क्रिस्प टेस्ट। सो लेट्स सी द रेसिपी कार्ड। सबसे पहले एक बाउल में मैं 2.5 टेबलस्पून मायोनीज की डालूंगी। इसके बाद मैं 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर डालूंगी, सम सॉल्ट, 1 टेबलस्पून बारबेक्यू सॉस, अच्छी तरह मिक्स कर ले। इसके बाद मैं डालूंगी बॉइल्ड और श्रेडेड चिकन, चॉप्ड कैरेट, छोटी छोटी हाथ से काट लें या फूड प्रोसेसर में कर लें, बंद गोभी, ये भी चॉप्ड है। इसके बाद इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करना है अंटिल दे ऑल आर वेल कम्बाइंड। मुझे मटेरियल थोड़ा ड्राई लग रहा था, तो मैंने 1/2 टेबलस्पून और मायोनीज का ऐड किया है। आप लोगों को जितना मायोनीज पसंद है, कुछ लोगों को मायोनीज काफ़ी पसंद होता है, कुछ लोगों को नहीं होता, तो आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। सैंडविचेस का मटेरियल इज़ ऑलमोस्ट कम्प्लीट। इसके बाद सिंपली मैं 2 स्लाइसेस लूँगी और इसके किनारे सेपरेट कर लूँगी। मैं ब्राउन ब्रेड यूज़ कर रही हूँ, यू गाइस कैन यूज़ एनी ब्रेड, वाइट यूज़ कर लें आप लोग, मल्टी ग्रेन कर लें, बाय द वे मल्टी ग्रेन इज़ अ गुड ऑप्शन। किनारे सेपरेट करके ब्रेड काफ़ी क्लीन लगती है, काफ़ी नाइस लुक आता है एक। अच्छा, इसके बाद मैं सिंपली सैंडविच का मटेरियल अप्लाई कर दूंगी, इवन स्प्रेड करना है इसको। आप लोग कुछ और वेजेस भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक सैलेड लीव्स कुछ लोगों को बहुत पसंद होते हैं, आप लोग वो लगा लें। टोमेटोज़ नहीं अच्छे लगेंगे बिल्कुल भी, मेरे ख्याल से तो इतना काफ़ी है वैसे। मेरे पास बॉइल्ड एग है, दोनों को मैंने उबाल के जो है क्यूब्स में काट लिया था, मैं इसके ऊपर वो लगाऊंगी। वैसे कुछ लोग फ्राइड एग्स भी यूज़ करते हैं, पर मेरे ख्याल से बॉइल्ड का कम्बिनेशन ज़्यादा अच्छा रहता है। सो यह माय फर्स्ट सैंडविच इज़ ऑलमोस्ट रेडी। इसी तरह बाकी सारे सैंडविचेज़ रेडी करके मैं ग्रिल करूँगी इनको, और बिफोर पुटिंग दैम इन टू ग्रिलर मैं ऑयल या बटर से ग्रीस करूँगी ग्रिलर को, और फिर वन बाय वन ग्रिल करूँगी फॉर अबाउट 2-3 मिनट्स, जब तक वो ब्राउन सी लाइंस नहीं आ जाती हैं। एंड या दैट्स इट। सो इट वॉज टुडेज सिंपल एंड क्विक रेसिपी। प्लीज़ गाइज डू ट्राई एंड लेट मी नो हाउ वॉज इट। टिल देन टेक केयर, विल मीट एंड इट अगेन इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।